अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे और आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, हमारी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी ज़्यादा और अपलोड करने में भी काफ़ी टाइम हो गया। ये ईद का दिन है, भाई भाई नमाज़ पढ़ कर आए थे और साथ ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। बारिश रुकने के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, गर्मी की शिद्दत कम हो गई थी और ये जी कुर्बानी भी हो चुकी थी। हमारे घर में इस बार कुर्बानी नहीं हुई, इसलिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा हमें, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। गोश्त तैयार होके आ गया था, बस हमें इसे तकसीम करना था और ये काम हमने जल्दी कर लिया था। और ये कुछ हमने पैकेट्स बना के रखे हुए हैं जो लोग नहीं आए अभी तक, बारिश की वजह से लेने नहीं आ सके, उनके लिए। शाम को फूफा और सिस्टर आ रही थी, बस उसी के लिए हम लोग खाना बनाने में मसरूफ़ हो गए थे। और ये देख रहे हैं आप लोग, किचन हमारा काफ़ी मैसी हो रहा है। और मैं यहाँ पर बना रही थी चिकन वेजिटेबल पास्ता, क्योंकि बच्चे अक्सर बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। पास्ता वो लोग काफ़ी शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए मैं ये बना रही थी। और यहाँ पर हमारी बिरयानी भी बिल्कुल रेडी हो गई। अम्मी ने बीफ़ बिरयानी बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। खाना हमारा तैयार हो गया था, यहाँ पर हम खाना लगा देंगे और सब लोग डिनर कर लेंगे। यहाँ आयजा अपने कजन ब्रदर को मीठा खिला रही। रूहान, हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। हम कौन हैं? समान। पाकिस्तान किसने बनाया? ने। शाबाश। ये वेनसडे का दिन है और सुबह के 5 बज रहे हैं। हम सब बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। अपना सामान हमने गाड़ी में रख लिया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो। सफ़र में हमारे साथ साथ रहिएगा, जो जो जगह हम एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और ये जी अभी हम अपने सिटी से बाहर जा रहे हैं, रोड्स बिल्कुल सुनसान है, ज़रा भी ट्रैफिक नहीं है, लोग भी मेरा ख्याल अभी सो रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे 5 बजे भी कितना दिन निकला हुआ है, रोशनी बहुत ज़्यादा है। मुझे तो ऐसा लगता था 7-8 बज गए हों, लेकिन अभी सिर्फ 5 बजे का टाइम है। हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है, हम मोटरवे पर आ गए हैं और ये बच्चे गाड़ी में सो रहे हैं अभी। आयजा और ज़ियान को बिल्कुल पता नहीं है कि उनकी वीडियो बन रही है और वो बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। यहाँ हम कुछ देर स्टे करेंगे, लाइट सा ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और इसके बाद अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखेंगे। ये हमारी चाय आ गई थी और इसके साथ हमने हल्के फुल्के बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे और उसके बाद हमारा सफ़र फिर शुरू हो गया है। उम्मीद है आप इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।